आपको पता है भाटी जी, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी कोई सभ्यता आई थी, सभ्यताएं आई थी, भौतिक सभ्यता जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सिर्फ वैदिक सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अपने से कोई भी PGW NPBW ऐसे एकदम से पूछ लेना तो अपन सच पका जाए, ठीक है। तो हमें देखिए, हम जो आज पढ़ रहे हैं उसमें हम उत्तरी, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में उत्तर हड़प्पा युगी ताम्रपाषाण सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। कैसे? क्योंकि इन संस्कृतियों की भौगोलिक स्थिति और यहाँ के लोगों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालना, किस प्रकार के घर में लोग रहते थे, कौन से अन्न उगाते थे और किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे, ये अपने आप में एक्चुअली में फर्स्ट ग्रेड के लिए या प्रोफेसर के लिए पर्सन है। किस प्रकार के बर्तना का को प्रयोग में लाया जाता था, फिर लोगों के धार्मिक विश्वास क्या थे। भौतिक संस्कृतियां से हम धार्मिक विश्वास यानी पुरातात्विक सामग्रियां से ही, यानी कि उनके विचार हम पता नहीं कर सकते कि वो ईश्वर के बारे में क्या सोचते थे, वो तो हम कभी नहीं पता कर सकते, ठीक है। जब तक उनकी लिपियां का ज्ञान नहीं हो जाता है, ठीक है। तो धार्मिक विश्वास हम कैसे प्राप्त करेंगे, उससे पुरातत्व से प्राप्त सामग्रियां के आधार पर, जैसे मुहूर्त पर कोई देवता बलि देते हुए कोई व्यक्ति हवन कुंड मिल गया है, हम इतना सा कर सकते हैं, या कोई किसी व्यक्ति को दफनाया गया है उसके साथ उसकी उपयोगी वस्तुएं दफनाई गई है, जिस मेहरगढ़ में एक व्यक्ति को बकरी के साथ दफनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ हम इतना सा जान सकते हैं कि भी तो वो मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना कर सकते थे, फलाना बलि देते थे, हवन करते थे, बाकी उनके सोच थॉट क्या है। वे धर्म के दो पक्ष होते हैं, ठीक है, भौतिक पक्ष और वैचारिक पक्ष। भौतिक पक्ष में कर्मकांड, पूजा पाठ ये आता है, ठीक है, कि क्या करते हैं, और वैचारिक में सोचते क्या है, ठीक है, ये सोचेंगे। और फिर आरंभिक लौह युग में कौन कौन से परिवर्तन है, इन चीजों के बाद देखेंगे। तो दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व यानी 2000 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियां अस्तित्व में आई। यहां ये संस्कृतियां न तो शहरी थी और न ही हड़प्पा संस्कृति की तरह थी, बल्कि हड़प्पा संस्कृति भी ताम्रपाषाण संस्कृति थी, बट उनके जैसी नहीं थी। इसलिए हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो इनको साथ में नहीं पढ़ते, ठीक है। पर पूरे भारत में हमें ऐसी संस्कृतियां देखने को मिलती हैं जो हड़प्पा की जैसी तो नहीं थी, ठीक है, बल्कि पत्थर और तांबे के औजारों का इस्तेमाल इन संस्कृतियों की अपनी विशेषता थी, इसलिए हम इन्हें ताम्रपाषाण संस्कृतियों का नाम दे सकते हैं। अगर ताम्रपाषाण संस्कृतियों को अपनी भौगोलिक स्थितियों के आधार पर पहचान जाए, भौगोलिक स्थितियों के आधार पर पहचानी है, जैसे राजस्थान में बनास संस्कृति, यानी बनास नदी राजस्थान में बहती है, उसके आसपास जो क्षेत्रीय संस्कृतियां पनपी है, राजस्थान जीके में हमने पढ़ने का प्रयास किया था, ठीक है। फिर कायत संस्कृति, कायत एक जगह स्थल है, कहाँ है, काली सिंध के तट पर स्थित, काली सिंध चंबल की साइड में, हाँ ठीक है ना। तो काली सिंध मध्य प्रदेश की साइड नदी है, उसके स्थान पर कायत संस्कृति, ठीक है, जो मध्य भारत नर्मदा ताप्ती माही घाटी में कई स्थलों पर पाई जाती है। आप इससे यूं समझ लीजिएगा कि जैसे कि भैया हड़प्पा संस्कृति का मतलब एक हजार आसपास हड़प्पा स्थल मिले, उसी प्रकार कायट संस्कृति यानी कि इस जैसे और स्थल मिले हैं, ठीक है। इसका विस्तार मैंने कहा बताया, मध्य भारत जैसे नर्मदा ताप्ती माही घाटी में, ठीक है। फिर मालवा संस्कृति, ठीक है, मालवा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अन्य भागों में बिखरी संस्कृति है। फिर जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है,
ठीक है, तो आप इनको एज इट इज, तो पहला पर्सन तो ऐसे ही बन सकता है, जोरवे संस्कृति मिलान करना है, कायत संस्कृति, मालवा संस्कृति, बनार संस्कृति, ठीक है ना। तो अब इनके खुदाई इस्तला में इस संस्कृति से संबंधित वस्तुओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक के विभिन्न भागों में ताम्र काशी की वस्तुओं के भंडार प्राप्त हुए। चूंकि ये वस्तुएं भंडारा के रूप में प्राप्त हुई है, यानी कि इन राज्यों में 25 स्थानों पर लगभग 1000 वस्तुएं प्राप्त हुई। मैंने जो अभी राज्य नाम बोले हैं 19, अतः इन क्षेत्रों का एक भिन्न ताम्र भंडार संस्कृति से संबंध होने का अनुमान लगाया जाता है। साई पई इस जगह का नाम है, साई पई इटावा है, उत्तर प्रदेश के ताम्र मत्स्य भाला तथा उसके साथ गेरू चित्रित मर्दबान प्राप्त हुए। साई पई, ये प्रश्न अपने आप में पूछा जा सकता है। साई पई ओसीपी, ठीक है ना, यानी के गेरू चित्रित मर्दबान, ठीक है, फिर एक ताम्र मत्स्य भाला, मत्स्य भाला समझते हैं ना, मछली को हार्पून की तरह का, हार्पून इसका है मत्स्य वाला, ठीक है ना। तो ऐसा मत्स्य वाला मिला है कहां से, साई पई, ठीक है ना। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न क्षेत्र से ताम्र पाषाण के विभिन्न बहुल औजार प्राप्त हो गए, ठीक है। तो इन संस्कृतियों को हमें हड़प्पा से भी समझकर आगे बढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता वेदा पर आधारित है, भौतिक तत्वों से मैच कराना बड़ा मुश्किल होता है, समझ में आ रही है ना, भौतिक तत्वों से मैच कराना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए आप थोड़ा थोड़ा सा लिखते रहेगा, जैसे साई पई के बारे में लिख लें, ठीक है ना। यदि भी कुछ अन्य वस्तुओं के भंडार स्थला में भी गेरवे चित्रित बर्तन मिले हैं, किंतु इन ताम्र भंडार का चित्रित बर्तन के साथ सीधा संपर्क नहीं है, सीधा संपर्क नहीं। वजह चूंकि गंगा यमुना दोआब में 100 से अधिक स्थानों पर यह विशिष्ट प्रकार के बर्तन पाए, यानी कि गेरवे चित्रित मर्दबांड है, ये चित्रित मर्दबान है, ऐसे गंगा यमुना दोआब की संस्कृति है, ठीक है। अतः इन्हें गेरवे चित्रित बर्तन की संस्कृति से संबंध माना जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साई पई इटावा में अगर ताम्र का मत्स्य भाला मिला है तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति से उसका साथ एक संबंध था, ठीक है। घेरवे चित्रित बर्तना की संस्कृति के बाद काले एवं लाल मर्दबान की संस्कृतियां तथा चित्रित दूसर मर्दबान की संस्कृतियां जो कि विशिष्ट प्रकार के बर्तना के आधार पर पहचानी जाती है, काल युग आता है। तो सबसे पहले कौन सी, घेरवे चित्रित मर्दबान, फिर उसके बाद चित्रित दूसर मर्दबान और NBPW एंड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर, ठीक है ना। चलिए उत्तर भारत में हरियाणा और उत्तरी गंगा घाटी में चित्रित दूसर मर्दबान इस्तला की बड़ी संख्या मिलती है। अब यह ध्यान रखना, हरियाणा और उत्तरी गंगा घाटी, समझ में आ रहा है ना, अब जैसे आपके मन में कोई प्रश्न आता है क्योंकि ये संस्कृति गेरवे चित्रित मर्दबान, ठीक है, तो जैसे ये इनका मेतार्थ क्या है, इनका मतलब क्या है, समझ में आ रही मेरी बात। तो ये संस्कृतियां बर्तना की विशिष्ट किस्म के आधार पर निर्धारित की जाती है, क्योंकि बर्तना की विशिष्ट किस्म उक्त संस्कृति का विशिष्ट लक्षण होती है, यद्यपि उक्त संस्कृति के अन्य पक्ष भी हो सकते हैं। विशिष्ट मर्दबाना और बर्तना का प्रयोग किसी विशिष्ट संस्कृति की पहचान अथवा उसके नाम देने के उद्देश्य से किया गया, ठीक है।
यानी कि इस प्रकार के मर्दबान सब जगह पाए गए, और भी विशिष्टता हो सकती है, ठीक है, पर चूंकि मर्दबान एक ऐसे वस्तु है, चीज है, जो काल के प्रभाव से नष्ट नहीं होते, तो एक प्रकार के मर्दबान सब जगह मिल जाते हैं। बाकी कोई धातु प्रयोग करते थे, कहीं मिल गया कहीं नहीं मिला, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये संस्कृतियां उससे मैच खाती कि नहीं खाती, मर्दबाना से मैच खा जाती है, ठीक है। तो हड़प्पा के बाद जो संस्कृतियां आती है उनको ताम्रपाषाण की संस्कृतियां, और ताम्रपाषाण की संस्कृतियां को हमने एक एक अलग अलग किया है, जैसे जोड़वे संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायत संस्कृति और बनास संस्कृति, ये मर्दबाना के आधार पर किया गया है। चलिए तो उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, किसी विशेष क्षेत्र में यदि चित्रित दूषक मर्दबांड पाए जाते हैं तो वहां की संस्कृति को चित्रित दूषक मर्दबाना की संस्कृति कहा जाएगा। तो यहाँ एक प्रश्न लिख लीजिएगा, वापस आप वीडियो को देखकर आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न, मर्दबान संस्कृतियों को काल कर्म अनुसार समझाइए, ठीक है। अब लिखिए ओसीपी पीजीडब्ल्यू NBPW के अर्थ समझाइए। एक और प्रश्न लिखिए, हड़प्पा उत्तर काल में विभिन्न ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को चिन्हित करें। अब इन्हीं में से एक प्रश्न, कायत संस्कृति का नामकरण कैसे हुआ? अब आगे हम जब चर्चा करेंगे हम पता चल जाएगा, ठीक है। ये कुछ मेजर प्रश्न्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब लोहे का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम चित्रित दूसर मर्दबान संस्कृति में होता है, जो कि उत्तरी काले पॉलिश मर्दबान की संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। समझ में आ रही है? तो यहाँ एक प्रश्न और बन सकता है, लोहे का प्रादुर्भाव किस संस्कृति से हुआ? अब हमने बहुत सारी बातें की, अब हम गैरवे चित्रित बर्तन यानी कि ओसीपी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 1950 में उत्तर प्रदेश में बिसोली तथा राजपुर परस यानी बिजनौर, जो कि दोनों ही ताम्र भंडार क्षेत्र है, की परीक्षण दृष्टि से खुदाई में नए किस्म के बर्तन प्राप्त हुए। ये बर्तन मध्यम स्तर की दानेदार मिट्टी से बनाकर कम तपाया गया है। इन्हें नारंगी से लेकर लाल रंग तक के गेरुए
जो कि प्राय घिसने पर कमीर हो जाते हैं कि रंग से रंगे जाते हैं। इस प्रकार के मर्दबाना से संबंध से चित्रित वर्तना की संस्कृति वाले सेतक कहलाते हैं। अब लिखिए गैरवे चित्रित बर्तन यानी ओसीटी। अब इनकी विशेषताएं थोड़ी सी खास, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर ने फर्स्ट ग्रेड देंगे तो आपके थोड़ा सा ये दिमाग में बैठेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यूं समझिए कि ये बर्तन जो है, पहली चीज तो इन बर्तन की विशेषताएं दो बातें लिखिए, दानेदार मध्यम दानेदार मिट्टी से निर्मित, कम तपाया हुआ। पहली चीज। दूसरा, नारंगी से लेकर लाल रंग तक के गेर। तीसरा, सर्वप्रथम बिसोली तथा राजपूत परस से प्राप्त। अब इसका विस्तार के बारे में बात करते हैं, जो मैं प्रश्न के रूप में लिखाऊंगा, फिर आंसर लिख लेंगे। मायापुर यानी सहारनपुर जिला है से लेकर साहिपई इटावा जिला है तक 110 स्तर इस विशिष्ट संस्कृति के। तो एक प्रश्न लिख लीजिएगा, प्रश्न ये है ओसीपी संस्कृति के कितने स्तर प्राप्त हुए। दूसरा, इसका विस्तार कहां तक पाया गया। गैरवे चित्रित वर्तना के सामान्यतः नदियों के तट पर मिले। ये क्षेत्र की एक चीज ध्यान रखिएगा, घेरदार कुएं, भौतिक संस्कृति में घेरदार कुएं जो आते हैं वो हमारे इतिहास के प्रारंभ में, यूं समझ लीजिए कि बौद्ध धर्म के बाद मौर्य काल तक घेरदार कुएं उभर कर आते हैं। उससे पहले हम पानी के स्रोतों के पास ही बसना पड़ता था। घेरदार कुएं आने के बाद हम पानी के स्रोतों से दूर जाकर भी बस सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। तो अब इसमें ये बार बार आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि भी ये नदी के किनारे क्यों है। तो घेरवे चित्रित बर्तना के क्षेत्र सामान्यतः नदियों के तट पर मिले हैं। ये क्षेत्र आकार में छोटे हैं और कई क्षेत्र में टीला की ऊंचाई काफी कम है, इससे इन बस्तियों के जीवन काल अवधि अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रश्न लिखिएगा, किस आधार पर निश्चित किया गया कि ओसीपी संस्कृति का जीवन काल 100 कम है। आपके पास दो है, एक तो जहां मतलब जो टीले मिले हैं वो आकार में छोटे हैं, दूसरा इन बस्तियों का आकार छोटा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विस्तृत नहीं हुआ। अगर कोई क्षेत्र अगर 1000 साल से आबाद है तो अपने आप आबादी उसकी बढ़ती बढ़ती बहुत बड़ा शहर बन जाएगा, ठीक है। बस्तियां के बीच की दूरी 5 से 8 किलोमीटर के बीच पाई गई है। कुछ घेरवे चित्रित बर्तना के क्षेत्र जैसे अमखेरी, बहेरिया, बहादराबाद, जिंजाना, लाल किला, अतरंजी खेड़ा और साईपे की खुदाई में यह नियमित बस्तियां होने के लक्षण नहीं मिले। हस्तिनापुर अई क्षेत्र में तथा अई क्षेत्र में घेरवे चित्रित बर्तना की संस्कृति और इसके बाद आने वाले चित्रित दूसर बर्तना की संस्कृति के बीच की प्रक्रिया अवरोधित प्रतीत होती है। अवरोधित का मतलब इनके दोनों के, हालांकि
मतलब कि हस्तिनापुर अय क्षेत्र में ओसीपी संस्कृति आई, ओसीपी नस्त, ओसीपी आई और उसके बाद पीजीडब्ल्यू आई, तो इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। वरना लिंक्ड जो चीजें होती है ना, तो उसमें मिले जुले असर दिखने लग जाते हैं। ओसीपी के भी मिल रहे हैं, पीजीडब्ल्यू के भी मिल रहे हैं, समझ में आ रही है। तो यहां फिर जबकि अतिरंजी खेड़ा में गैरवे चित्रित बर्तना के स्तर के बाद काले और लाल मिट्टी के बर्तना के स्तर आते हैं। चलिए यहां अपन देखेंगे कि एक तो दो चीजें लिखिए, प्रश्न लिखिए, उन दो स्थानों को चिन्हित करें, उन दो ओसीपी स्थानों को चिन्हित करें जहां पीजीडब्ल्यू संस्कृतियां पनपी दूसरा उस ओसीपी स्थान को चिन्हित करें जहां एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति आई चलिए ये तो कुछ इसके फैला और इसके संबंधा के बारे में कुछ बात हुई। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें संबंध में आ रही होंगी, ठीक है। एक प्रश्न और लिख लीजिएगा, प्रमुख ओसिप स्थाना की सूची बनाइए, अर्थात गैरवे चित्रित बर्तना की संस्कृति स्थला की सूची बनानी है, ठीक है। तो गैरवे चित्रित बर्तना की संस्कृति के भौतिक अवशेष के मुख्य रूप, भौतिक अवशेष मुख्य रूप से बर्तन ही है, इसमें भंडारण चार प्याले, गोल आधार वाले प्याले, सुराई दस्ते वाले बर्तन, छोटे बर्तन, पातर टोंटी वाले बर्तन। तो इस ओसीपी वाले संस्कृति के प्रमुख बर्तन एक्चुअली में अपन आप ये देखिए एक चीज देखिए वो ये है कि गैरवे चित्रित बर्तना की संस्कृति में प्रमुख रूप से जो भौतिक अवशेष मिले हैं वो कौन से हैं, बर्तन, ठीक है ना। तो एक प्रश्न आता है, देखिए प्लेट्स प्लेट्स के अलावा बहुत सारे बर्तन ऐसे इसमें मैंने बोले हैं जो अन्य संस्कृतियां से भिन्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सुराई, तो सुराई हड़प्पा में प्राप्त नहीं हुई, दैट इज राइट, ठीक है ना। तो लिखिए, प्रश्न लिखना है गैरवे चित्रित बर्तना की संस्कृति के प्रमुख बर्तना के नाम। ठीक है ना। अन्य वस्तुओं की हम बात करें जो कहीं 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 प्राप्त होती है, ये जो मतलब बर्तन तो सब जगह भरपूर मिले, समझ में। अन्य चीजें जैसे पक्की मिट्टी की चूड़ियां, पक्की मिट्टी के मनके और इंद्रगोप एक्चुअली में मनका के बीच में एक जिसे एक अपन माला देखी होगी जिसमें एक एक बड़ा मिनिया होता है जिसमें से सारे इंद्रगोप। और पक्की मिट्टी के जानवर की मूर्तियां, गाड़ी के पहिए, ठीक है, और पक्की पत्थर की चक्की और मूसल, और साई पई में गैरवे चित्रित बर्तना के क्षेत्र में एक ताम्र मत्स्य भाला। अब देखिए दो चीज, तो पहली चीज इनमें प्रश्न लिखिए, किस चित्रित दूसर ने गैरवे चित्रित बर्तन संस्कृति के किस स्थल से ताम्र मत्स्य भाला भी प्राप्त हुआ है।
ठीक है। अब दूसरी चीज, ठीक है यहां तक ठीक है। फिर गरा के ढांचा से संबंधित अधिक प्रमाण उपलब्ध नहीं, घर कैसे बनते थे, हालांकि पुराना किला से प्राप्त प्रमाण है, हालांकि वो भी अपर्याप्त है। तो यहां एक प्रश्न बनेगा जो मैं बता दूंगा। इस पुराने किला के आधार पर अनुमान हम लगाते हैं कि फर्श थापी हुई मिट्टी दड़ियोड़ी और घर सरपट और उस पर मिट्टी की लिपाई के साथ बनाए जाते थे। ऐसा अनुमान पुराने किला में तपी मिट्टी के प्लास्टर और मिट्टी पर सरकंडे और बांस के निशाना के आधार पर लगाया गया है, ठीक है। बांस पर सरकंडे और बांस पर लिपाई करके मकान बनाते थे। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न, वो प्रश्न ये है कि ओसीपी संस्कृति के मकाना के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। इस संस्कृति के संबंधित अंतिरंजी खेड़ा से पुरातात्विक वानस्पतिक अवशेषों से पता चलता है कि इन क्षेत्रों में धान जो दालें और घिसारी की फसल उगाई जाती थी और बर्तना के प्रकार में समानता का आधार पर कुछ विद्वानों का विचार है गेरवे रंग बर्तन हड़प्पा सभ्यता के अंतिम काल के बिगड़े हुए रूप की तरह है। तो फिर एक प्रश्न लिखिए, ओसीपी संस्कृति से संबंधित वानस्पतिक अवशेष अर्थात कौन कौन से फसलों का उगाया जाता था, कहां से प्राप्त होते हैं, यानी कि इसमें वो भी फसल लिखनी है, ठीक है। एक बढ़िया सा नोट लगाकर लिखना है कि अगर अगर किसी भौतिक संस्कृति के मर्दबांडा को हड़प्पा संस्कृति के मर्दबांडा से संबंधित किया जाए तो किस संस्कृति का चयन करेंगे। यानी कि ऐसा माना जाता है कि ओसीपी संस्कृति के जो मर्दबांड है वो हड़प्पा संस्कृति के मर्दबांडा के बिगड़े हुए रूप यानी बेतरबी तरीके से बनाए गए। गैरवे चित्रित बर्तना से प्राप्त ताप्त संदिप्त परीक्षा, अब देखिए ताप संदिप्त परीक्षा एक्चुअली में काल निर्धारण की एक परीक्षा है जो क्या होती है वो मैं बाद में बताऊंगा के आधार पर यह संस्कृति यानी कि बर्तना की काल संदिप्त परीक्षा के आधार पर यह संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच की मानी गई है, ठीक है। तो यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है वो ये है कि ओसीपी संस्कृति का काल कौन सा माना जाएगा।